बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज़ मी ऐश। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही जल्दी क्विक बनने वाली रेसिपी जो कि हमारी 15 मिनट्स में रेडी होगी। कुल्फ़ा बना रही हूँ मैं, बिल्कुल वैसे ही टेस्ट होगा जैसे बाज़ार में हलवाइयों वालों का कुल्फे का टेस्ट होता है, खोए वाला कुल्फ़ा, और ऑलमोस्ट वो भी इसको इसी तरीके से बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1.5 किलो फ्रेश मिल्क। आपने फ्रेश मिल्क ही लेना है, डब्बे का मिल्क यूज़ नहीं करना वरना ये टेस्ट नहीं आएगा। 3 इसमें मैंने यूज़ किए हैं ब्रेड के स्लाइसेस, 5 इलायची हैं मेरे पास। आप चाहें तो आप हाफ टी स्पून इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, 5 से 6 इलायची लें आप। शुगर मैंने यूज़ किया है 8 टेबल स्पून, आप अपनी मर्ज़ी से शुगर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। क्योड़ा एसेंस बहुत ज़रूरी है, इसमें सारा फ्लेवर आएगा, इसमें बिल्कुल कुल्फे का फ्लेवर आएगा आपको, इसमें जो आप खुशबू कुल्फे में आपको आती है वो इसी की आती है, इलायची के साथ ये जो एसेंस है क्योड़ा एसेंस ये लाजमी डलता है। और क्रीम, फ्रेश मिल्क क्रीम है मेरे पास 5 to 6 टेबल स्पून। सबसे पहले हम इस ब्रेड के छोटे छोटे पीसेस करके मैं इसको ब्लेंडर जग में जिसमें हम मिल्कशेक बनाते हैं उसमें डाल के मैं ग्राइंड कर दूंगी, और कुछ भी ऐड नहीं करना, जस्ट ये पीसेज ऐड करने हैं, कोई पानी वानी कुछ भी ऐड नहीं करना, तो ये हमारे ब्रेड क्रम्स रेडी हो जाएंगे। जी आप देख सकते हैं मैंने इसको हाथों की मदद से इस तरह से पीस कर ली है रफली। अब मैं इसको ब्लेंडर जग में ऐड करूँगी, मैंने इसको ब्लेंडर जग में ऐड कर लिया है, अब मैं मशीन चला दूँगी। जी व्यूअर्स, हमारे ब्रेड क्रम्स रेडी हैं, अभी हमने इसको ऐड नहीं करना, अभी हमने इसको साइड पर रख दिया है क्योंकि इसको हमने जब ऐड कर देना तो फिर ज़्यादा कुक नहीं करना। जी व्यूअर्स, दूध को मैंने पकने रख दिया है ऑलमोस्ट 10 मिनट से, हल्की आंच पे पकता रहेगा। जब ये 1.5 किलो से 1 किलो रह जाएगा फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। हमारा मकसद इसको थिक करना है, इसलिए हम इसको 1.5 किलो से 1 किलो तक लेकर आएंगे। जी व्यूअर्स, हमारे दूध को कुक होते हुए 5 मिनट्स हो चुके हैं, इस टाइम पर हम इसमें इलायची ऐड कर रहे हैं, आप इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। व्यूअर्स, 10 मिनट्स हो चुके हैं हमारे दूध को कुक होते हुए, ऑलमोस्ट 10 से 12 मिनट, और ये अब 1.5 किलो से 1 किलो रह गया है। अब मैंने इस टाइम पे जो है वो इसमें शुगर ऐड किए, आँच हम इसमें स्लो ही रखेंगे ताकि दूध बाहर ना गिरे। शुगर ऐड करने के 2 मिनट बाद मैं इसमें ये ब्रेड क्रम्स ऐड कर रही हूँ, थोड़े थोड़े करके और साथ साथ चम्मच हिलाते जाएं। थोड़े से ब्रेड क्रम्स मैंने ऐड किए और साथ ही चम्मच हिलाना है ताकि इसमें लम्स ना बने। अब हम इसमें बाकी के ब्रेड क्रम्स भी ऐड करते हैं, 2 से 3 बार में आप ऐड करेंगे और साथ साथ स्पून हिलाते जाएंगे, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें, जो हमारे ब्रेड क्रम्स हैं वो मिल्क में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे, लम्स ना बने। इसके साथ ही हम जो है इस टाइम पे क्रीम ऐड कर रहे हैं, ब्रेड क्रम्स और क्रीम हमने इकट्ठे ऐड करनी है। जी ब्रेड क्रम्स के साथ ही हम थोड़ा सा क्योर एसेंस इसमें ऐड कर देंगे, 4 से 5 कतरे। ये हमारे पास कटे हुए पिस्ता और बादाम हैं, कुछ मैं अभी कुकिंग में ऐड कर रही हूँ पकते हुए, और कुछ मैं जब इसको डिश आउट करूँगी तब ऐड करूँगी, ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं चाहते तो ना डालें। अच्छी तरह से मिक्स कर लें, बस ब्रेड क्रीम डालने के बाद और एसेंस ये सब कुछ हमने एंड पे डालना है, और बस 2 से 3 मिनट ही कुक करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं, बल्कि 2 मिनट ही कुक करेंगे, ज़्यादा कुक नहीं करेंगे हम इसको। पहले बहुत ज़्यादा थिक हो गया है और एसेंस डालने के बाद तो वैसे भी चीज़ को ज़्यादा कुक नहीं करते वरना कड़वाहट आ जाती है, और एसेंस की क्वान्टिटी आपने बिल्कुल ज़्यादा नहीं डालनी, जितनी मैंने बताई है इतनी ही डालनी है वरना कड़वाहट आ जाएगी। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। जी व्यूअर्स, आप कोई सा भी कंटेनर ले सकते हैं, मैंने ये लिया है और इसमें मैंने पिस्ते बादाम जो है वो डाल दिए, क्योंकि जब हम इसको फ्रीज़र में रखने के बाद जब इसको हम उल्टा करके निकालेंगे तो ये हमारी फ्रंट साइड बनेगी। अब मैं इसको इसमें डिश आउट करने लगी हूँ, देखिए व्यूअर्स इस तरह से हम इसे डिश आउट कर लेंगे अपने कुल्फा को। आप चाहें तो इसमें खोया भी ऐड कर सकते हैं, कंडेंस्ड मिल्क भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से भी बहुत अच्छा बनता है। जो बाज़ार वाले अक्सर वो कुल्फे वाले जो हैं वो खोया नहीं ऐड करते और उसी तरह से ब्रेड को ऐड करते हैं,
आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने इसमें क्रीम ऐड की है और दूध को काफ़ी पकाया है, इसलिए हमें खोया डालने की या नस मिल्क की इतनी ज़रूरत नहीं है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही आपको बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब मैं इसको फ्रीज़र में रख रही हूँ, इसको पहले मैं इसको रूम टेम्परेचर पे आने दूँगी, फिर डीप फ्रीज़र में रखूँगी और 5-6 घंटों के लिए और कवर करके रखूँगी। जी व्यूअर्स, हमारी आइसक्रीम रेडी हो चुकी है, मैंने इसको 5-6 घंटे के लिए डीप फ्रीज़र में रखा। आप इस ये ज़रा इस बात का ख्याल रखिएगा कि अच्छी तरह से बिल्कुल हार्ड हो जाए, फिर आपने इसको जो है वो फ्रीज़र से निकालना है। डिपेंड करता है फ्रिज के टेम्परेचर पे, तो मेरे डीप फ्रीज़र में जो है इसको 5-6 घंटे लगे हैं। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। डिश आउट करने के लिए हम इसको पहले नाइफ, इसकी साइड्स जो हैं यूँ हम नाइफ की हेल्प से इसको इस तरह से कर लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से आराम से बाहर आ जाए। चारों कॉर्नर से इस तरह से मैं कर लूँगी। अभी इसको मज़ीद थोड़ा सा टाइम चाहिए था, यहाँ साइड से भी थोड़ी मेल्ट है। अभी इसको आधा या एक घंटा और इसको मज़ीद चाहिए था। मैंने इसको इस तरह से उल्टा करके 3-4 बार यूँ ज़ोर ज़ोर से किया तो ये देखिए बाहर आ गई है। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी हमारी आइसक्रीम रेडी हुई है। इसके बाद हम और ज़्यादा डालना चाहें तो डाल सकते हैं, और इसमें फ्रेश ब्रेड ही आपने यूज़ करनी है और मिल्क थिक करना बहुत ज़रूरी है, वरना जब आइसक्रीम खाते हुए बर्फ़ का टेस्ट आएगा मुँह में जैसे वो हम आइस खा रहे हैं। तो इसके हम पीसेस कर लेते हैं। जी व्यूअर्स, मैंने इसकी कटिंग कर ली है, आप देख सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी और क्विक बनने वाली रेसिपी, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल बाज़ार से जैसा कुल्फा बनेगा ये, आप इसको ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।